नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हेमराज है और मैं आज आपको Xiaomi डिवाइस में TWRP रिकवरी इंस्टॉल करना बताऊंगा Xiaomi टूल से। इस रिकवरी को इंस्टॉल करने से पहले आपका बूट लोडर अनलॉक्ड होना चाहिए। यदि आपका बूट लोडर लॉक्ड है तो ये रिकवरी इंस्टॉल नहीं हो पाएगी। तो पहले अपना बूट लोडर को अनलॉक करें, उसके बाद ये ट्राई करें। सबसे पहले आप सेटिंग में जाएं और अबाउट फोन में MIUI वर्जन को कम से कम 3 से 4 बार टैप करिए। 3 से 4 बार टैप करने पे ये होगा कि आपके लिए डेवलपर ऑप्शंस खुल जाएंगे। तो बैक आइए, एडिशनल सेटिंग्स में जाइए और डेवलपर ऑप्शन में जाके उसको ऑन करिए। डेवलपर ऑप्शंस में जाने के बाद अब ऑप्शंस एक्सप्लोर करिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा बूट लोडर अनलॉक्ड है तो वो दिखा रहा है। आपको नीचे आना है, USB डिबगिंग ऑन करनी है। USB डिबगिंग इसलिए ऑन करनी है क्योंकि USB जब डिबग करेंगे तो ADB डिवाइसेस होंगी, ADB डिवाइसेस कनेक्ट करेंगे तभी हम लोगों का TWRP रिकवरी इंस्टॉल हो पाएगी। USB डिबगिंग अलाउ करने के बाद आपको एक फाइल डाउनलोड करनी है और उसको इंटरनल स्टोरेज में स्टोर करना है। फाइल है lazyflasher.zip। ये फाइल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कनेक्शन स्टैब्लिश करती है MIUI 9 सॉफ्टवेयर में कि आराम से बूट हो, कोई दिक्कत ना आए कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करने के बाद। तो इसको डाउनलोड करके अपने इंटरनल स्टोरेज में जाके सेव कर लीजिए। lazyflasher.zip फाइल को अपने इंटरनल स्टोरेज में सेव करने के बाद आप अपने डेस्कटॉप में जाइए और गूगल क्रोम खोलिए। अब हम लोगों को क्या करना है कि TWRP रिकवरी डाउनलोड करनी है। इन केस अगर आपका इंटरनेट नहीं काम करता है तो आप मैनुअली रिकवरी डाउनलोड करके भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अपने क्रोम में TWRP रिकवरी डाउनलोड कर लें। जब TWRP रिकवरी डाउनलोड हो जाए तो उसको डेस्कटॉप में कॉपी कर दीजिए। इसके बाद Xiaomi टूल खोलिए। Xiaomi टूल की एक विंडो खुल के आएगी जिसमें लिखा होगा ओके आई अंडरस्टैंड। तब तक आपको क्या करना है कि अपने Xiaomi डिवाइस को USB से कनेक्ट कर दीजिए। अब हम लोग उसकी TWRP रिकवरी को फ्लैश करेंगे। अपने Xiaomi डिवाइस को USB में कनेक्ट करने के बाद Xiaomi टूल पे ओके आई अंडरस्टैंड पे क्लिक कर दें। फिर ये ड्राइवर्स चेक करेगा, थोड़ी देर के बाद ये आपकी डिवाइस को शो कर देगा। अगर आपकी डिवाइस को शो नहीं करता है तो आप अपने USB डिबगिंग ऑप्शंस को एक बार चेक कर लीजिए, रिफ्रेश करिए और ये आ जाएगी। एक बार जब डिवाइस आपकी आ जाए तो सेलेक्ट पे क्लिक करिए। Xiaomi टूल में अपनी डिवाइस सेलेक्ट करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा। आप उस ऑप्शन में लिखा होगा कि रोम इंस्टॉलेशन पूरी डिवाइस वाइप कर सकता है। आप इसमें डरे नहीं क्योंकि आपको TWRP रिकवरी इंस्टॉल करनी है और 99% कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आप उस पर येस पे क्लिक करें। येस पे क्लिक करने के बाद आपका थोड़ी देर ये डिवाइस चेक करेगा, रोम पता करेगा और आपका डिवाइस फास्ट बूट मोड पर चला जाएगा। आप परेशान मत होइए, वो सारी रिकवरीज चेक कर रहा है, फ़ोन में क्या है सारे सब कुछ चेक कर रहा है। थोड़ी देर बाद आपको एक विंडो मिलेगी जिसमें सारे रोम्स होंगे, जैसे ग्लोबल स्टेबल, ग्लोबल डेवलपर, चाइना स्टेबल, चाइना डेवलपर और शो एडवांस्ड ऑप्शन। तो ये आप वहाँ से रोम भी इंस्टॉल कर सकते हैं, पर हम लोग को शो एडवांस्ड ऑप्शन में जाना है। शो एडवांस्ड ऑप्शन में घुसने के बाद आपको TWRP रिकवरी अंदर मिलेगी। आप TWRP रिकवरी पर क्लिक करें और उसको इंस्टॉल करें। अब कंफर्म करें। कंफर्म करने के बाद एक विंडो आएगी, पूछेगी कि क्या आपको फाइल सेलेक्ट करनी है या आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू माने कि ऑनलाइन डाउनलोड करके वो उस हिसाब से कर देगा। आप पहले चाहे सेलेक्ट फाइल करके जो आपने रिकवरी डाउनलोड करी हुई थी डेस्कटॉप से उसको सेलेक्ट करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और फिलहाल मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि मैं इंटरनेट से डायरेक्ट ले रहा हूँ। तो कंटिन्यू करने के बाद TWRP रिकवरी डाउनलोड होगी और थोड़ी ही देर बाद इंस्टॉल होना भी शुरू हो जाएगी। जैसे इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी आपका फ़ोन फास्ट बूट मोड पर चला जाएगा और थोड़ी ही देर में TWRP रिकवरी की विंडो खुल जाएगी। फिर उसके बाद एक ऑप्शन आएगा, आपको स्वाइप टू अलाउ मॉडिफिकेशन करना है, तो आप उस पर स्वाइप कर लीजिए। स्वाइप करने के बाद आपकी TWRP रिकवरी इंस्टॉल हो चुकी है। पर एक बात ध्यान रखिए, हम लोग को अभी lazyflasher.zip फाइल भी इंस्टॉल करनी है क्योंकि उसके बिना MIUI 9 नहीं बूट होगा। तो इंस्टॉल पे टैप करें और lazyflasher.zip फाइल जहां आपने सेव रखी थी वहां जाइए और उस पर टैप करिए। टैप करने के बाद स्वाइप टू फ्लैश कर दीजिए। lazyflasher.zip फाइल इंस्टॉल होने के बाद रिबूट कर दिया सिस्टम, आपकी TWRP रिकवरी इंस्टॉल हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो
तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और आपको अगली वीडियो कौन सी देखनी है, कौन सी कस्टम रोम आपको जाननी है, आप हमको कमेंट में बताएं, डिस्कशन में बताएं, हम आपकी कस्टम रोम को इंस्टॉल करेंगे।